आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आता है। ये इंटरफेस आप देख सकते हो। यहाँ पर आपसे आपके मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाता है, जिस नंबर से आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो। सिंपली आपको अपना 10-डिजिट नंबर यहाँ पर लिख देना है एंड उसके बाद साइन अप विथ योर मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपसे OTP पूछता है, उसी नंबर पर आपको एक OTP जाएगा, वो डालकर आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको एक 6-डिजिट न्यू पिन बनाना है एंड पिन लिखने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, उस पिन को कंफर्म करना है, वापस से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछता है। ये जो भी ईमेल एड्रेसेस या कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हो आपको गेट OTP पर क्लिक करना है, फिर आपके ईमेल पर OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करवा लेना है एंड नीचे आपको वापस से कंटिन्यू कर देना है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपने पास में रखना है। जैसे ही आप कंटिन्यू कर लोगे वापस से आपके सामने अब न्यू इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ध्यान रखेंगे आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही फिल करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, बहुत ही इजी है। ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको और भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एनुअल इनकम, ये तो मैंने बताया, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट चूज कर सकते हो एंड उसके नीचे है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है एंड नो सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं, आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है। अब आपसे पूछा जाता है क्या आपको फ्रेश स्टॉक चाहिए, अगर आप लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको ये चीज़ पूछा जाएगा, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब आपको आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के हिसाब से एक एड्रेस आएगा, आपको बस कंफर्म करना है कि ये सही है या नहीं। उसके बाद अब आपसे सेल्फी के लिए पूछा जाता है अगले स्क्रीन पर, तो सिंपली आपको एक अपनी सेल्फी क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस स्टेप को पूरा करने के बाद अब आपसे आपके बैंक डिटेल्स पूछे जाते हैं। आपको अपना बैंक डिटेल्स बहुत ही केयरफुली फिल करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछता है आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है एंड अब उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बारे में पूछ रहा है, आप इसको बाद में कर देना, डू इट लेटर। आपको नॉमिनी के बारे में भी पूछता है, तो आप अभी भी फिल कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, तो आप आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो अब आप अपने लास्ट स्टेप पर आ जाते हो। ई साइन विथ आधार OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आता है, आपको ई साइन नाउ पर क्लिक करना है एंड आपके सामने अब ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है NSDL की। आपको यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करके नीचे यहाँ बॉक्स में देख सकते हो ई साइन नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होता है। जैसे ही आप अपना पूरा आधार कार्ड नंबर दे दोगे आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो टाइप करके आपको वेरीफाई कर लेना है। ध्यान रहे OTP उसी नंबर पर जाएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो इस प्रोसेस के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, सारे प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिए होते हैं एंड अब आपको एक दिन के बाद आपके ईमेल पर अपस्टॉक टीम के द्वारा भेज दिया जाएगा ID एंड पासवर्ड, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।